वेलकम टू ट्रैवलिंग रॉक्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कोपनहेगन का राजा गणेश जी किस तरह से विराजमान है कोपनहेगन डेनमार्क में, जो भारतीय मंदिर में है। इनके द्वारा आयोजित किया गया है ये डेनमार्क तेलुगु एसोसिएशन संस्कृति इन डेनमार्क। इट्स रियली वेरी बिगेस्ट कम्युनिटी फॉर हिंदूज एंड इट्स प्रोवाइडिंग ऑल द थिंग्स यू कैन सी हियर in photos, temples inside there in poster, cremation for cremation, Mahasmashan. They are going to ask Danish government that we really need smashanam for Hindus. So ye pandit ji ne iske bare mein thodi jankari di. To ye hai Ganesh ji, Siddhi Vinayak, Copenhagen ka raja. कोपनहेगन का राजा। और ये स्पेशली एक बात बताना था, ये है एक स्पेसिफिक लड्डू जिसकी बोली होती है। लास्ट ईयर ये एक लड्डू गया था 20,000 डैनिश क्रोना में, मतलब 2.5 लाख रुपए का ये लड्डू है। अब इस बार कितने में जाएगा वो मैं बताऊंगा आपको एक नए वीडियो में। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे अलग लोगों ने भी गणेश जी विराजमान किए हैं, उनके पर्सनल जो हाथ से बनाए हुए गणपति है, बहुत ही बढ़िया बनाया है ये और सभी गणपति। तो साथ ही साथ मैं आपको इनके मूषक दिखाना चाहता हूँ, आकर के देखेंगे। ये देखिए भगवान श्री हरि के मूषक, ये देखिए छोटे छोटे गोल्डन, ये भगवान को अर्पण है। श्री हरि दादा विघ्न विनायक सिद्ध विनायक भगवान गणपति कुंभ पूजन और भारतीय मूल के आंध्र प्रदेश के जितने भी भावी भक्तजन हैं उनके द्वारा। और कुछ बोल रहे हैं? सुंदरीय है परंपरा, जैसे कि आपको हमारे संग्राम जी ने बताया कि जो लड्डू है उस लड्डू का ऑक्शन होता है और ये परंपरा अभी भी आंध्र प्रदेश में काफी जोरों शोर से चलता है। वहाँ पे आज भी जहाँ जहाँ गणपति रखते हैं वहाँ पे प्रसाद के रूप में मनोरथ सिद्धि के भाव से मनोकामना पूर्ति के लिए लोग भगवान श्रीहरि का जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद के रूप में लड्डू को लेते हैं और सबकी इच्छा होती है कि हमें मिल जाए। तो वहाँ पे होगा कि ऑक्शन करेंगे हम, तो एक तरह से देखा जाए तो उसी को यहाँ भी निभाते। और ये छोटा लड्डू है, छोटा प्रसाद है। ये वस्त्र का भी ऑक्शन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वस्त्र है, ये धौत वस्त्र, और यहाँ पे प्रसाद बहुत ही दिव्यता के साथ में और बहुत धूमधाम से, मतलब रोज का पूजन आरती और महाप्रसाद रोज है। फिर नेक्स्ट दिस सैटरडे मूर्ति विसर्जन के लिए जाएंगे और उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं, लगभग 200-250 लोग होंगे और सभी नाच गाने ढोल मंजीरा नगाड़े ताशे बजते हैं, बहुत ही आनंद होता है। ऐसा नहीं लगता है कि हम डेनमार्क में हैं, डेनमार्क में भी भारतीय परंपरा बहुत ही दिव्यता के साथ में निभाई जाती है। और धन्यवाद है भारतीय मंदिर स्कलुंद डेनमार्क, जिन्होंने आज लगभग 7-8 वर्षों से भगवान गणपति श्री हरि का मूर्ति यह मंदिर में स्थापन कराते हैं और सभी मिलजुल करके आंध्र के द्वारा स्थापित होता है मूर्ति। भारत से फ्लाइट एयरवेज के द्वारा यहाँ पर कुरियर से मंगाया जाता है हर साल। लगभग 14 साल से गणपति, इस बार 15वां साल है डेनमार्क में, और 15 वर्षों से भगवान श्री हरि का यजन यहाँ पर होता है। लगभग 7 वर्षों से भारतीय मंदिर स्कलुंद डेनमार्क में भगवान श्री हरि का यजन होता है बहुत ही दिव्यता के साथ में। हम कोशिश करेंगे जिस दिन विसर्जन होगा, मूर्ति विसर्जन, उस दिन भी हम कैप्चर करेंगे वीडियो को और आप तक पहुंचाएंगे। आप इसी तरह से बने रहें ट्रैवलिंग रॉक्स के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय श्री गणेश।